देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास है हमारी कक्षा 11वीं की इंग्लिश का पहला पार्ट। उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे शॉर्ट स्टोरी का दूसरा अध्याय। हमारी सारी क्लासें एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इसलिए आप सभी लोग देव क्लासेस स्पेशल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करके कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट के निःशुल्क क्लासें प्राप्त कर सकते हैं। आज कोरोना की महामारी को देखते हुए आप सभी लोग अपने घर में रहकर भी पूरी स्टडी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप अपने सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाने का काम भी करें। आज हम इस अध्याय को एक एनिमेटेड स्टोरी के साथ में देखेंगे और फिर इसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। After 20 years, 20 साल बाद कहानी की घटना न्यूयॉर्क की अंधेरी हवादार सड़क पर घटित होती है, जहां एक सिपाही एक अंधकारपूर्ण दरवाजे पर खड़े हुए एक आदमी को पाता है। गश्त लगाता हुआ सिपाही प्रभावशाली तरीके से सड़क पर चल रहा था। समय रात के लगभग 10 बजे का था, लेकिन वर्षा वाले हवा के ठंडे झोंकों ने सड़कों को खाली व वीरान कर दिया था। एक निश्चित क्षेत्र के बीच रास्ते में सिपाही ने अपनी चाल अचानक धीमी कर दी। अपने मुंह में बिना सुलगी हुई सिगार वाला एक आदमी एक अंधकारपूर्ण हार्डवेयर स्टोर पर झुका हुआ था। जब सिपाही उसके पास पहुंचा तो उस आदमी ने तेजी से समझाया कि वह वहां अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा है। यह 20 साल पहले किया हुआ एक वादा है। उस आदमी ने कहा कि उस लंबे समय पहले यहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट था। सिपाही ने प्रमाणित किया कि उस रेस्टोरेंट को 5 वर्ष पहले तोड़ दिया गया था। दुकान पर उस आदमी ने एक तीली जलाई और अपना सिगार जलाया। उस रोशनी में तेज आंखों वाला एक पीला चौड़ा जबड़ा वाला चेहरा दिखाई दिया और उसकी दाई भौं के पास एक सफेद घाव का निशान था। उसके स्कार्फ में एक बड़ा हीरा फत्ते तरीके से लगा था। उस आदमी ने कहा कि ठीक 20 साल पहले उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त जिमी वेल्स के साथ बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट में भोजन किया था। तब वो 18 वर्ष का था, जिमी 20 साल का था। उसने धन कमाने के लिए पश्चिम जाना था, लेकिन कोई जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं धकेल सकता था। वे उस रात सहमत हुए कि वे उस तारीख व समय से ठीक 20 साल बाद वहां पुनः मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी दशा क्या होगी या कितनी दूर से उन्हें आना पड़ेगा। सिपाही ने घटना को बहुत रोचक पाया और उससे पूछा कि क्या उसने अपने मित्र को छोड़ने के बाद उसके बारे में नहीं सुना है। उस आदमी ने उत्तर दिया कि वास्तव में उन्होंने कुछ समय पत्र व्यवहार किया, लेकिन 1-2 वर्ष बाद उनका संपर्क टूट गया। लेकिन उसे विश्वास था कि जिमी उससे वहां मिलेगा यदि वो जीवित हो, क्योंकि वह संसार में सबसे सच्चा और वफादार लड़का था। इंतजार करने वाले आदमी ने एक सुंदर घड़ी निकाली जिसके डायल पर छोटे छोटे हीरे लगे थे। उसने कहा कि उसने पश्चिम में बहुत धन कमाया है और उसे आशा थी कि जिमी ने उससे आधी ही कमाई की होगी। ठंडी तेज बौछार गिर रही थी और हवा तेजी से चल रही थी और हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर उस आदमी ने जो अपनी जवानी के मित्र से मिलने के लिए 1000 मील आया था अपना सिगार पिया और इंतजार किया। 20 मिनट बाद एक लंबे ओवरकोट में एक लंबा आदमी उसके पास आया। उसने संदेह पूर्वक पूछा, क्या तुम बॉब हो? दरवाजे पर वह आदमी चिल्लाया, क्या तुम जिमी वेल्स हो? मेरा सौभाग्य है। नए आगंतुक ने कहा, यह बॉब है। पश्चिम ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? चलो हम एक ऐसी जगह चलेंगे जिसे मैं जानता हूँ और पुराने समय के बारे में देर तक बात करेंगे। दोनों व्यक्ति हाथ में हाथ डाल के सड़क पर चल दिए। विद्युत प्रकाश की चपक में पश्चिम से आया हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का चेहरा देखने के लिए मुड़ा। तुम जीबी वेल्स नहीं हो, उसने तेजी से कहा। तब दूसरे आदमी ने कहा, तुम 10 मिनट से गिरफ्तार हो आकर्षक बॉब। अब हमारे थाने चलने से पहले मुझको तुम्हें एक पत्र देने को कहा गया है। बॉब पत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कांपने लगा। पत्र में लिखा था, बॉब मैं वादा किए गए स्थान पर समय से पहुंचा था। जब तुमने अपना सिगार जलाने के लिए तीली जलाई तो मैंने देखा कि यह एक ऐसे आदमी का चेहरा है जिसकी तलाश शिकागो पुलिस को है। किसी तरह मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सका, इसलिए मैं चला गया और इस काम को करने के लिए सारा कपड़ा वाला एक सिपाही भेजा, जिमी। आफ्टर 20 ईयर्स कहानी में लेखक ने कर्तव्य परायणता को व्यक्तिगत मित्रता से श्रेष्ठ बताया है एवं संकेत दिया है कि अनुचित तथा गैर कानूनी साधनों को अपनाकर बहुत धनी होने की अपेक्षा ईमानदारी की कमाई से सादा जीवन बिताना बेहतर है। जिमी वेल्स और बॉब घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। जिमी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही था,
बॉब महत्वाकांक्षी था जिसने गैर कानूनी तरीके से बहुत धन कमाया। जिमी की कर्तव्य परायणता ने उसे बॉब को गिरफ्तार करने के लिए। आप सभी लोगों ने अभी देखा कि किस प्रकार जिम्मी और बॉब 20 साल के बाद भी एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ने एक गलत रास्ता चुना और एक व्यक्ति ने सही रास्ते पे चल के पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। और पुलिस की नौकरी करते हुए उसने कितनी ईमानदारी से अपने मित्र का फर्ज भी निभाया और अपनी ड्यूटी का फर्ज भी निभाया। चलते हैं अब इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ। व्हाट वॉज द पुलिस मैन डूइंग ऑन हिज बीट? सिपाही अपनी गश्त पर क्या कर रहा था? द पुलिस मैन वॉज मूविंग अप एंड डाउन द एवेन्यू। सिपाही जो था वो ऊपर और नीचे रास्ते के ऊपर नीचे की तरफ जा रहा था। ही वॉज चेकिंग ऑल द डोर्स एंड लॉक। वह सभी दरवाजों और उनमें लगे तालों को चेक कर रहा था। व्हाट वॉज बॉब्स फेस लाइक? बॉब का चेहरा कैसा था? बॉब्स फेस वॉज पेल एंड स्क्वायर जर्ड। बॉब का चेहरा पीला और चौकोर जबड़े वाला था। हिज आईज वेयर कीन। कीन माने होता नुकीली या पैनी। उसकी आंखें जो थी वो पैनी थी। ही हैड ए लिटिल व्हाइट स्केयर नियर हिज राइट एब्रो। और उसके जो राइट दाहिनी भौवें के पास में एक छोटा सा सफेद दाग का निशान था, व्हाइट स्केयर। हाउ वॉज बॉब्स फेस रिकोगनाइज्ड बाई द पुलिसमैन इन द डार्क नाइट? हाउ डज द बॉब फेस माने बॉब का जो चेहरा था रिकोगनाइज्ड बाई पहचाना गया किसके द्वारा? द पुलिसमैन इन द डार्क नाइट। रात के अंधेरे में भी पुलिसमैन के द्वारा बॉब का चेहरा किस प्रकार पहचाना गया? व्हेन बॉब लिट द सिगार। जब बॉब ने सिगार जलाया द पुलिसमैन सा हिज फेस क्लियरली। तो पुलिसमैन ने उसका जो चेहरा था वो क्लियर देख लिया एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम और उसको पहचान गया इवन इन द डार्क ऑफ नाइट। रात के अंधकार में भी उसने उसका चेहरा पहचान लिया। हाउ डिड जिम्मी मैनेज टू गेट बॉब अरेस्टेड? जिम्मी ने बॉब को कैसे गिरफ्तार किया? क्योंकि जिम्मी का तो बेस्ट फ्रेंड बॉब था, तो जिम्मी ने स्वयं उसको गिरफ्तार नहीं किया तो फिर किस प्रकार कराया? जिम्मी सेंट अनदर पुलिसमैन। जिम्मी ने एक दूसरा पुलिस वाला भेजा इन सिविल ड्रेस माने सादे कपड़ों में एंड गोट हिज फ्रेंड अरेस्टेड और अपने मित्र को गिरफ्तार करवा दिया। व्हाई वॉज बॉब अरेस्टेड? बॉब गिरफ्तार क्यों हुआ? बॉब वॉज अरेस्टेड। बॉब गिरफ्तार हुआ बिकॉज माने क्योंकि ही वॉज वॉन्टेड बाई द शिकागो पुलिस, क्योंकि शिकागो पुलिस को उसकी तलाश थी। हु वॉन्टेड बॉब? बॉब को किसकी तलाश थी? बॉब। हु वॉन्टेड बॉब माने कौन? वॉन्टेड माने तलाश कर रहा था, बॉब माने बॉब की। तो बॉब वॉज वॉन्टेड बाई शिकागो पुलिस। बॉब जो था उस शिकागो पुलिस के द्वारा तलाश किया जा रहा था। अगला है हु सेंट द प्लेन क्लॉथ मैन टू अरेस्ट बॉब? हु माने कौन, सेंट द प्लेन क्लॉथ किसने भेजा सादे कपड़े वाले को टू अरेस्ट बॉब, बॉब को गिरफ्तार करने के लिए? जिम्मी वेल्स हैड सेंट द प्लेन क्लॉथ्स मैन टू अरेस्ट बॉब। जिम्मी वेल्स ने अपने मित्र बॉब को गिरफ्तार करने के लिए सादे कपड़ों वाला व्यक्ति भेजा। नेक्स्ट है इसका प्रश्न, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आफ्टर 20 ईयर? 20 साल बाद शीर्षक का क्या महत्व है? द टाइटल आफ्टर 20 ईयर इज क्वाइट सिग्निफिकेंस बिकॉज जिम्मी एंड बॉब हैड प्रोमिस टू मीट आफ्टर 20 ईयर। 20 साल बाद शीर्षक का जो अर्थ है अर्थपूर्ण है क्योंकि जिम्मी और बॉब ने 20 साल बाद मिलने का वादा किया था। आफ्टर 20 ईयर का मतलब 20 साल बाद, तो उन दोनों ने एक दूसरे से 20 साल बाद मिलने का वादा किया था। इट वॉज ए कंसीडरेबल लॉन्ग पीरियड, यह एक बहुत लंबा समय था। यट माने फिर भी, दे मीट ऑन द सेम डे एट द अपॉइंटेड प्लेस, और वे सेम उसी दिन
और उसी समय उसी निश्चित स्थान पर मिले। अगला प्रश्न है आपका, वेन एंड वेयर हैड द टू फ्रेंड पार्टेड, दोनों मित्र कब और कहां से अलविदा हुए थे या विदा हुए थे। जिमी एंड बॉब पार्टेड फ्रॉम ईच अदर एट 10 इन द नाइट एट बिग जॉय ब्रैडली रेस्टोरेंट। जिमी और बॉब एक दूसरे से रात्रि में 10 बजे के समय बिग जॉय नाम के एक रेस्टोरेंट था वहां से विदा हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, जिमी वेल्स वॉज फेयर विद द फ्रेंड बॉब, क्या आप मानते हो कि जिमी वेल्स अपने मित्र के प्रति व्यवहार में उचित था। यस माने हाँ, जिमी वेल्स वॉज फेयर, जिमी वेल्स अपनी जगह सही था विथ हिज बॉब, बॉब के लिए, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट ड्यूटी एज ए पुलिसमैन, क्योंकि उसने पुलिस के सिपाही के रूप में अपने मित्र के रूप में भी, पुलिस के सिपाही के रूप में और अपने मित्र के रूप में भी दोनों कर्तव्य निभाए। दोनों कैसे निभाए कि पुलिस वाला होने के बावजूद उसने अपने मित्र को गिरफ्तार नहीं किया, ये तो था दोस्ती के फर्ज, और दूसरा उसने जो अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निभाया वो उसने अपने मित्र को भेजकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसको शिकागो पुलिस की तलाश थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अध्याय के अंतर्गत थे, जो पूछे जा सकते हैं आपसे पेपरों में, और ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए गए, एक एक शब्दों की मीनिंग भी आपको बताई गई, और प्रश्न आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों रूप में दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उससे सीख सकें। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक बच्चों को हमारे देव क्लासेस स्पेशल के साथ जोड़ने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी क्लासों को ज्वाइन करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। और नोट्स के लिए कुछ नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर है 9919427942 जिसमें आप संपर्क करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों को अपने ये वीडियो जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग इन वीडियो के माध्यम से निःशुल्क क्लासें ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को जारी रख सकें।